हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट फाइव को करते हैं। पार्ट फाइव में बच्चों आज पोलर फॉर्म पर डिपेंडेंट सवाल है, वो कैसे बनाते हैं आइए बच्चों सीखते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट फोर में आप लोगों को पोलर फॉर्म क्या है, कैसे फॉर्मूला को सिद्ध किया जाता है, आर क्या है, थीटा क्या है, सब कुछ समझा दिया था। जिन्होंने अब तक पार्ट फोर नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर देवघर में जाइए और वहाँ सर्च कीजिए क्लास 11 मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ आप कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल का मैंने डाल रखा है, उसे सीखिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल क्लास 11 के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी डाल रखे हैं। तो बच्चों जिन्होंने अब तक मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो आइए बच्चों बिना समय गवाएं पोलर फॉर्म के सवालों को करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दे रहे हैं कि राइट इन पोलर फॉर्म, राइट इन पोलर फॉर्म है ना बच्चों, ध्रुवीय रूप में लिखें। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपको याद होगा अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो आर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे बच्चों, टेन इनवर्स बी बाई ए, यहाँ एक्स माने हैं तो एक्स वाई, वाई बाई एक्स। ऊपर में किसे लिखना है बच्चों, समझाए थे आई के साथ जो रहेगा उसे ऊपर लिखना है और रियल पार्ट जो बिना आई के साथ है उसे नीचे लिखना है। आर को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। थीटा को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है बच्चों। और पोलर फॉर्म पी एफ, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बस यही तो था बच्चों। और क्या था कि दोनों पॉइंट अगर प्लस में रहे तो यहाँ पर हमें एंगल लेने के लिए क्या लेंगे बच्चों, अल्फा लेंगे फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बताए थे कि माइनस और प्लस रहेगा बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या कैसे निकालते हैं एंगल को, पाई में माइनस कर देते हैं, पाई माइनस अल्फा करते हैं बच्चों। अगर दोनों पॉइंट माइनस में हो, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस हो, क्या बोले थे माइनस पाई माइनस अल्फा करने के लिए। और चौथा क्या हो बच्चों, प्लस या माइनस, प्लस और माइनस रहे मैंने एक्स प्लस वाई माइनस, तो यहाँ पर एंगल क्या था बच्चों, माइनस अल्फा। इतना मैंने बच्चों आपको पार्ट फोर में अच्छी तरह से प्रूव करके समझा दिया था और आप समझ भी गए होंगे, सीख भी गए होंगे, कॉपी में उतार भी लिए होंगे, ठीक है बच्चों। तो इतना ही था, जिन्होंने अब तक पार्ट फोर को नहीं देखा वो जाकर देख लें, ये सिर्फ फॉर्मूला याद करने के लिख दिए। अब सवालों को करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछेगा, राइट इन पोलर फॉर्म, ठीक है बच्चों। हमारे क्वेश्चन आपका है जेड इक्वल टू थ्री प्लस रूट थ्री आई, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पॉइंट को लिख लेंगे बच्चों, पॉइंट आपका देखिए ये एक्स हो गया, एक्स थ्री है, आई के साथ मतलब वाई होता है, ये एक्स है ये वाई है, देखिए एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, दोनों प्लस में है, इसका मतलब ये किसमें आपका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कोई टेंशन नहीं, अल्फा तल्फा का मान कोई चेंजिंग नहीं है, कोई साइन ताइन चेंज नहीं करना, कोई पाई में नहीं घटाना है, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए। आप देखिए x आपका 3 है, y कितना है रूट थ्री है, तो बच्चों r निकालने के लिए क्या करना था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या करेंगे बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट थ्री का बच्चों आपका 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, रूट थ्री का 3, 9 3 कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया, 12 का रूट क्या हो जाएगा, 2√3, 2√3 जानते हैं करने के लिए, 2√3, 12 का तोड़ दिए 4 × 3, 4 का 2 हो गया और 3 रूट में रह गया, ये आपका आर का मान क्या निकला, 2√3। चलिए यहाँ लिख दिया आर, आर क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। अब बच्चों थीटा निकालेंगे, थीटा में क्या था, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, तो वाई कौन था जो आई के साथ में है, आई के साथ में कौन है रूट थ्री, और एक्स में कौन है 3, तो रूट थ्री से काटेंगे बच्चों 3 को, तो क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स 1 बाय रूट 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3,
तीन का मतलब होता है रूट थ्री गुना रूट थ्री, तो ऊपर में एगो रूट थ्री था, नीचे वाला एगो रूट थ्री कट जाएगा, तो एगो रूट थ्री बचा आपका। तो थीटा का मान क्या हो गया, टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री। अब टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री का मतलब टेन में कितना डिग्री का वैल्यू वन बाय रूट थ्री होता है, याद तो है ना, टेन में कितना डिग्री का वैल्यू वन बाय रूट थ्री होता है बच्चों, तीस डिग्री का, याद है नहीं, थर्टी डिग्री, क्या था बच्चों, थर्टी डिग्री। तो बच्चों डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर देंगे, पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें रेडियन में लिखना है, तो थीटा कितना है, 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री का बच्चों हम कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री इंटू क्या बच्चों, पाई बटे 1 बटे 180 गुना कर देंगे, जितना डिग्री रहेगा उसे गुना करना है पाई बाय 180 से। ये मैंने ट्रिगोनोमेट्री में बहुत पहले ही पढ़ा दिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो मेरे यूट्यूब चैनल बी एस एस देवघर में जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट में क्लास 11 मैथमेटिक्स या ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज खोजिए 11 का, सब वहां मिल जाएगा। 3 × 18 मतलब हो गया पाई बटे 6, तो थीटा का वैल्यू क्या हो बच्चों, पाई बटे 6 हो गया। और बच्चों लिखना है हमें पोलर फॉर्म, बस पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म एफ ओ आर एम पी ओ एल ए आर, ठीक है बच्चों, पोलर फॉर्म का क्या फॉर्म था, आर कॉस थीटा प्लस क्या है आई साइन थीटा। देखिए कुछ देर पहले लिखे थे फॉर्मूला को, ध्यान दीजिएगा R का मान क्या निकला है, 2√3, बस R में बैठा दें बच्चों 2√3, R के बदले में क्या लिख दिया 2√3, और cos थीटा का वैल्यू क्या निकला पाई बटे 6, यानी लिखेंगे पाई बटे 6 प्लस क्या है बच्चों I लिखिए, और sin थीटा का वैल्यू क्या बच्चों पाई बटे 6, ये आपका पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, आपने इसे सीख भी लिया होगा। क्या करें बच्चों, z इक्वल टू 3 + √3 आई दिया हुआ है, तो पॉइंट लिख लिए, ये x हो गया ये y हो गया, लिख लिए क्योंकि दोनों प्लस में इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, तो कोई टेंशन हमें नहीं है। r निकालने क्या था, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, कितना निकला r 2√3। थीटा निकालने के लिए क्या था, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, मतलब √3/3 काट कूट में कितना आया, टेन इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 टेन में कितना होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर दिए, कैसे किए, पाई बटे 180 गुना करके काट दिए, 30 से 180 6 बार में कट गया, तो पाई बटे 6 हो गया। और पोलर फॉर्म क्या फॉर्म, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आर का मान और थीटा का मान बढ़ा दिए, यही आपका हो गया रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। ठीक बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और सिखाते हैं आपको, ध्यान से बच्चों, ये पार्ट 5 चल रहा है आपका। मान लीजिए जब क्वेश्चन आपका है जेड इक्वल टू -2 क्या लिखा बच्चों, -2 + 2i, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो यहां सबसे पहले बच्चों पॉइंट को हमें लिख लेना है, पॉइंट यहां लिख लिया बच्चों, पॉइंट देखिए -2 है और 2 है, ये प्लस में था, x माइनस में है वाई प्लस में है, तो बच्चों माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में है, ध्यान दीजिएगा, x माइनस में है, तो ये x माइनस में है y प्लस में है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्या बच्चों ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों हमको एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो भी थीटा का वैल्यू आएगा उसे हम क्या करेंगे बच्चों पाई में माइनस कर देंगे, यानी कि पाई माइनस अल्फा करना पड़ेगा, जो भी एंगल आएगा अल्फा का वो पाई से माइनस कर देंगे, तो वही आपको थीटा का वैल्यू होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, चलिए पहले हम आर निकाल लेते हैं, आर क्या था बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो -2 बच्चों आपका 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 4 कितना हो गया 8 हो गया, है ना, 8 को हम लिख देंगे बच्चों 2√2, 4 × 2 = 8, 4 × 2 हो गया और √2 रह गया, ये बच्चों आपका आर निकला। अब थीटा भी निकाल लेते हैं बच्चों, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, तो वाई कितना 2 है बच्चों और एक्स में कितना -2, तो काट देंगे बच्चों कितना हो गया टेन इनवर्स -1 हो गया। अब याद कीजिए टेन में कितना का वैल्यू होता है 1, 45 डिग्री, 45 डिग्री है ना बच्चों, 45 माइनस काम करेंगे हड़बड़ाइए नहीं, कितना होता है 45 डिग्री, तो बच्चों तो थीटा हो जाएगा 45 × π/180, तो 45 × 180 हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया पाई बाय 4, थीटा क्या हो बच्चों
पाई बाय फोर हुआ, लेकिन लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे हमको थीटा निकालने के लिए जो भी मेरा एंगल आया बच्चों, अभी एंगल मान लीजिए अल्फा आया, क्या बच्चों बोला ये आपका अल्फा चल रहा है, अल्फा कितना पाई बाय फोर हो गया, तो एंगल निकालने के लिए हमें पाई से माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, तो अल्फा मान क्या निकला पाई बाय फोर, तो हो जाएगा बच्चों आपका पाई माइनस पाई बाय फोर, पाई माइनस पाई बटे फोर। तो बच्चों इधर मिटाते हैं, कुछ काम नहीं है, ये सब अब हटा देते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो कितना बच्चों पाई माइनस पाई बाय फोर, तो यहाँ लिख रहे हैं तो कितना हुआ, देखिए तो ये पाई बाय फोर है, तो एलसीएम कितना समझ जाएगा फोर हो जाएगा, फोर को पाई से फोर पाई माइनस क्या है पाई, तो फोर पाई में जाएगा पाई, क्या बचेगा आपका थ्री पाई बटे फोर। तो बच्चों थीटा का मान क्या निकलेगा थ्री पाई बटे फोर, आर का मान क्या निकल गया टू रूट टू, बस हमको आर और थीटा तो चाहिए। चलिए अब बच्चों आप आराम से लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, यहाँ लिख देते हैं बच्चों, इसलिए पोलर फॉर्म, और क्या बताए थे पोलर फॉर्म का दूसरा नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पर हम कह दे, या मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कह दे, या मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म कह दे, सब में एक ही करना है, क्या फॉर्मूला होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर का मान क्या है टू रूट टू बच्चों, कॉस थीटा कितना है थ्री पाई बटे फोर प्लस आई साइन थ्री पाई बटे फोर, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। समझ गए बच्चों, तो आज आपने पोलर फॉर्म को ख़त्म कर लिया। अब आप जिस बुक से पढ़ते हैं, आर एस अग्रवाल के बुक से, एनसीईआरटी के बुक से, कृष्णा के बुक से, लाल जी के बुक से, अरिहंत के बुक से, दासगुप्ता के बुक से, तो बच्चों सब आपको पोलर फॉर्म में इसी नियम से बनेगा। आराम से कोई भी किताब निकालिए और पोलर फॉर्म जितना सवाल है सब अभी ख़त्म कर लीजिए, चट कर लीजिए, चट मंगनी पट नहीं बोले आगे। तो बच्चों लव यू टिल देन गुड बाय बाय।